नमो नमः। मैं पुष्पेंद्र आकर स्वागत करता हूं आपका फ्लाहा एकेडमी भोपाल में। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सदा चाह रहे का निबंध। ये निबंध क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ दोनों में ही पूछा जाता है, बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछा जाता है। लेकिन जो क्लास सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, इलेवन्थ, ट्वेल्थ, मतलब जितनी भी क्लास में संस्कृत है और जिनमें निबंध पूछा जाता है, उन सभी क्लासेस के लिए सदाचार्य का निबंध बहुत आईएमपी है और बहुत ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश रहेगी आप सभी लोगों को एक स्टैंडर्ड, एक आदर्श निबंध बताने की, जिससे कि आप उस निबंध को पेपर में लिखें और आपको 10 में से 10 नंबर, पूरे में से पूरे नंबर आपको प्राप्त हों। चलिए शुरू करते हैं सदाचार्य। सदाचार्य का मतलब होता है सदव्यवहार, आचार, हमारा आचार विचार कैसा है। आचार मतलब हमारा स्वभाव कह सकते हैं। चलिए तो पढ़ते हैं हम पहला सेंटेंस। सज्जना नाम आचार्य सदाचार्य कथ्यते। सज्जना नाम आचार्य सदाचार्य कथ्यते। सज्जन व्यक्तियों का जो आचार होता है, आचरण होता है, उसको ही सदाचार कहते हैं। दुर्जना नाम आचार्य दुराचार्य भक्ति। जो दुर्जन होते हैं उनका जो आचार होता है, आचरण होता है, वो दुराचार होता है। सदाचारेण समाजम सुखम वर्धते। सदाचार से ही समाज में सुख बढ़ता है। सदाचारेण मनुष्य है तेजस्वी भक्ति। सदाचार से ही मनुष्य तेजस्वी होता है। सदाचारेषु बालकेषु सर्वे स्नेहं कुर्वन्ति। सदाचार के द्वारा ही बालक को सभी लोग स्नेह करते हैं। सदाचारणे मनुष्यस्य समाजे सम्मानः भवति। सदाचारण से ही मनुष्य का समाज में सम्मान होता है। सदाचारणे मनुष्यस्य बुद्धिः निर्मला भवति। सदाचारण से ही मनुष्य की बुद्धि निर्मल होती है। मनुष्य है वास्तविकम सुखम शांति चा सदाचारण लभते। मनुष्य को जो वास्तविक सुख और शांति मिलती है वो सदाचारण से ही प्राप्त होती है, सदाचार से ही प्राप्त होती है। सदाचारस्य पालनेन एव मानव जीवनम सफलम भवति। सदाचार के पालन करने से ही मानव मतलब मनुष्य का जीवन सफल होता है। वयम सर्वदा सदाचारस्य पालनं कुर्याम। हम सभी को सदाचार का पालन करना चाहिए। तो इसी के साथ आपका सदाचार है का निबंध होता है कंप्लीट। और आपको सभी को अपने जीवन में सदाचार का पालन करना चाहिए, इससे आपका छात्र जीवन भी उच्च होगा और आप अच्छे अच्छे विचार आपके मन में लेके आएंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के संस्कृत के वीडियोस, इंग्लिश के वीडियोस और मैथ्स के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद।